हाय गाइस, टेक एंड फाइनेंस में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कल यानी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए थ्री स्टॉक सिग्नल्स की। उससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, टेलीग्राम एंड यूट्यूब में जितने भी सारे स्टॉक्स अपडेट होते हैं ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए, आप अपनी ट्रेडिंग करने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें। तो गाइस चलिए कल के लिए थ्री स्टॉक्स देखने से पहले मैं आपको टुडे जो स्टॉक परफॉर्मेंस है, हमारे प्राइम टेलीग्राम की जो परफॉर्मेंस है वो मैं दिखाना चाहूँगा हर रोज की तरह। तो सिंपल हमारे पास दो टेलीग्राम चैनल है, एक फ्री वाला है जहाँ पे 14,000 के सब्सक्राइबर मौजूद है, यहाँ पे बिल्कुल आप फ्री में जुड़ सकते हो। मार्केट ओपनिंग से पहले एक वॉच लिस्ट में यहाँ पे अपडेट करता हूँ, लेकिन लाइव मार्केट में यहाँ पे कोई भी कॉल्स अपडेट नहीं होते हैं। लेकिन प्राइम में लाइव मार्केट में भी कॉल्स अपडेट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में हर रोज की तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सेल शीट में नोट डाउन करता हूँ और वीडियो में शो करवाता हूँ। तो टुडे जो परफॉर्मेंस है, मैं लाइव मार्केट में सबसे पहला 9:27 पर जो स्टॉक रिकमेंड किए थे LIC हाउसिंग फाइनेंस और 452 में बाई करना था। उसके बाद 455 तब अप्रोक्सीमेट हाई बनाया, 3 पॉइंट गए, 1% मूवमेंट नहीं दिया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आके बड़ा सा स्टॉप लॉस 445 में मैंने दिया था स्टॉप लॉस, और उसके बाद बिल्कुल एक सपोर्ट में मॉडिफाई करने के लिए 441.5 में मॉडिफाई करने के लिए कहा। लेकिन गाइस मार्केट में चौपिनेस के वजह से ओपनिंग में बहुत ही चौपिनेस था, तो हमारा यहाँ पे 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस हिट हुआ है 441.5। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1101 लॉट की 1 लॉट क्वांटिटी मल्टीप्लाई 10.5 स्टॉप लॉस हिट हुआ है। और देन दोस्तों माइकॉन फ्यूचर्स को बाय करने के लिए कहा और एंट्री प्राइस में एग्जिट होने के लिए भी मैंने अपडेट कर दिया था कि एग्जिट फ्रॉम बायोकॉन। देन आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एसएल लिट एग्जिट जुबिलेंट फूड, मैंने 2:15 पे अपडेट किया था। यहाँ पे छोटा सा टारगेट 1628 एंड फाइनल टारगेट 1635 मैंने मेंशन करने के लिए कहा, क्योंकि ऑलरेडी और 30 मिनट था मार्केट क्लोज होने में। इसने भी टारगेट हिट नहीं किया है, लेकिन हाई 1623 तक हाई बनाया। लेकिन अगर 320 की बात करें तो यहाँ पे मैं 19 पकड़ के चलूंगा, मतलब 3 पॉइंट पकड़ के चलूंगा। और देन यहाँ पे आते एशियन पेंट भी यहाँ पे हाई बनाया 1830, लेकिन हमारा पास टारगेट था 18, लेकिन यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए अपडेट कर दिया था कि 1828 में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 10 पॉइंट की प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये था टुडे स्टॉक परफॉर्मेंस हमारे प्राइम टेलीग्राम चैनल की। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये आप देख सकते एशियन पेंट की 10 पॉइंट पॉजिटिव में एंड यहाँ पे 500 क्वांटिटी वानी 1 लॉट एंड 3 पॉइंट की प्रॉफिट। तो ये हो गया ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्राइम टेलीग्राम चैनल टुडे, एंड ओवरऑल रिजल्ट आप देख सकते हैं 5 डेज ट्रेडिंग की, यहाँ पे 46,000, प्रीवियस डे 43,000 44,000 की प्रॉफिट हुए थे। तो दैट्स इट गाइस, ये था हमारे प्राइम टेलीग्राम चैनल की परफॉर्मेंस। आप अगर हमारे प्राइम टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्री में जुड़ सकते हैं। अभी एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा एंड अप स्टॉक्स में बिल्कुल फ्री अकाउंट ओपनिंग चल रहा है, कोई भी फीस आपको नहीं देना पड़ेगा। 48 टाइम्स मार्जिन मिलते हैं एंजल ब्रोकिंग में। तो वो सारे ब्रोकर में हमारे अंडर अकाउंट ओपन करके, हमारे अंडर मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो अकाउंट ओपनिंग लिंक है वहां पे क्लिक करके आप अगर अकाउंट ओपन करेंगे तो डेफिनेटली फ्री में अकाउंट ओपन होगा, और उसके साथ साथ गाइस हमारे प्राइम टेलीग्राम चैनल में भी फ्री में ज्वाइन रहेंगे। और गाइस कुछ क्वेरीज आज मुझे मिल रहा था कि सर आप जब कॉल्स दे रहे हो, मतलब यहाँ पे जो अपडेट कर रहे हो, जैसे कि LIC हाउसिंग फाइनेंस मैंने यहाँ पे दिया 452 गाइस। और एक क्वेरीज मुझे अभी फेसबुक में और व्हाट्सएप में आ रहे थे तो उनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो क्वेरीज ये था कि सर आप जब यहाँ पे कॉल्स अपडेट करते हैं, सिग्नल अपडेट करते हैं, जैसे एशियन पेंट को बाय करना है 1818 में, लेकिन हम लोगों को जब मिल रहा है नोटिफिकेशन आ रहा है तो ऑलरेडी ये 1821 1820 या फिर 2-3 पॉइंट आप में चले जा रहे, तो मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट पे एंट्री लूंगा, ये क्वेरीज था। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कितना पॉइंट भाग चुके हैं और टारगेट कहाँ पे है, थोड़ा बहुत एनालिसिस आपको भी करना होगा। देखिए जिन स्टॉक्स की यहाँ पे 2000 की प्राइस है तो वो अगर 2-3 पॉइंट मतलब 4 पॉइंट भी इधर उधर मिल जाते हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं 1835 तक। तो टारगेट को भी फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप सिंपल इस प्राइस में या फिर उससे 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट ऊपर में आप प्लेस करके लिमिट ऑर्डर लगा के रख दीजिए। अगर नीचे आए तो एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं आए तो मत एग्जीक्यूट होगा। कभी कभी आपको ये भी तो मिलता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस या फिर बायोकॉन फ्यूचर्स बाय करने का लेवल मैंने 263 पे दिया, लेकिन देने के साथ साथ ही ये 3 पॉइंट नीचे आ गए थे, तो आपको 3 पॉइंट नीचे भी तो मिल रहा है, तो वहां पे भी आप एंट्री ले सकते हैं।
तो यहाँ पे स्टॉक्स में हर सेकेंड ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट होगा ही। कभी कभी आपको 2 पॉइंट अप में जाके बाय करना पड़ेगा और कभी कभी आपको 2 पॉइंट नीचे भी मिल जाएगा, ये प्राइस मूवमेंट की। तो आप अगर डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे स्टॉप लॉस के साथ, तो डेफिनेटली गाइस आप प्रॉफिटेबल होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आंसर मिल गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल यानी नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए 3 स्टॉक्स की। प्रीवियस डे मैंने मैकडोल का भी बताया था कि ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, आप देख सकते हैं, और रेंज का भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो आज ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएगा। और आज यहाँ पे देख सकते हैं 650 को भी ब्रेक कर चुका है। और कल के लिए भी गाइस यहाँ पे वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, और साथ ही साथ वाइड रेंज पॉजिटिव कैंडल, तो इन स्टॉक्स को अपने रडार में जरूर रखें। एंड 650 को अगर ब्रेक करे तो आप एंट्री लेंगे यहाँ पे 650 टूडे जो हाई है, एंड स्टॉप लॉस 642 मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस 642 एंड टारगेट 662-668 के लिए मैकडोल को बाय करके लॉन्ग करके चल सकते हो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। तो ये हो गया पहला स्टॉक्स। बात करते हैं एशियन पेंट। इन स्टॉक्स को आज भी मैंने 2 बजे के बाद मेरे प्राइम में अपडेट किए थे, और मुझे लगता है इनकी जो ट्रेंड है बिल्कुल पॉजिटिव है, और लास्ट 3 डेज फ्लैट टू पॉजिटिव में एशियन पेंट ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पे आज की कैंडल्स को देख सकते हो कि एक जो रेंज था प्रीवियस जो मेजर एक हाई जहाँ से बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, तो उनकी आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंट्री तो भी लेना है, टुडे जो हाई है उनको अगर ब्रेक करे मतलब बाय करना है 1831 को अगर ब्रेक करे तो आप एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस मेंशन करना है 1814 एंड टारगेट 1855 एंड फाइनल टारगेट 1865 के लिए अपने रडार में एशियन पेंट को रख के चल सकते हो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। आज भी मैंने बीडीएसटी के लिए भी अपडेट किया था, और आज की डेट में बहुत ही बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा बोलिया मैंने ऊपर इंटरेस्ट के साथ, और देख सकते हैं ओपन इसका लो है और उसके बाद और क्लोजी अप्रोक्सीमेट इनकी हाई है, ठीक है। तो एक बुलिश मोरूबुजू कैंडल, वाइड रेंज मोरूबुजू कैंडल है, और आप देख सकते हैं लास्ट कुछ दिन की कैंडल को इनकल करते हुए अपर साइड में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है जुबिलेंट फूड की। तो इन स्टॉक्स मेरे हिसाब से कल भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और ऐसे भी मार्केट मतलब निफ्टी 12,000 के पार है, तो अच्छा खासा मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं जुबिलेंट फूड में। तो यहाँ पे भी एंट्री लेंगे, टुडे जो हाई है 1622 को अगर ब्रेक करें, स्टॉप लॉस मेंशन करना है 1608 एंड टारगेट 1638 एंड फाइनल टारगेट 1650 के लिए जुबिलेंट फूड को बाय करके चल सकते हो। तो गाइस दैट्स इट, ये हो गया 3 सिग्नल्स। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो सिंपल दोस्तों आप मुझे फेसबुक में पूछ सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कुछ दिन के बाद वहाँ पे बंद करूंगा, क्योंकि मेरे वीडियो की कमेंट सेक्शन में बहुत ही अलग बंदा मतलब अलग पर्सन आके अलग अलग लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं जो यूट्यूब कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, मेरे चैनल के लिए अच्छा नहीं है, साथ ही साथ किसी ग्रुप की लिंक अकाउंट ओपनिंग लिंक यहाँ पे प्रमोट किए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आपको क्वेरीज है मैं मोबाइल नंबर दे के रखा हूँ, कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं और फेसबुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी अपडेट देना चाहूँगा, नेक्स्ट वीक से मैं इस वीडियो के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस छोटा सा एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, ताकि आफ्टर मार्केट क्लोज्ड एक सेशन में आपको अच्छा खासा कंटेंट मिल सके। तो दैट्स इट, वीडियो इसको लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।